जनपद में एक निजी होटल में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि देश में तरह तरह के लोग निवास करते हैं और अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक भाषा भोजपुरी है जो कि हमारे यूपी व बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको मान्यता देने के लिए संसद में भी आवाज़ उठा चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोग भोजपुरी पर ध्यान नहीं देते हैं। भारत सरकार को भोजपुरी को अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है उसको भी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ कि भोजपुरी को भी अनुसूची में शामिल किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, दोनों संकेत के जोरदार ताली से अभिनंदन कर आपके यायावरी शिखर सम्मान प्रदान कैले में संपूर्ण यायावरी परिवार गौरव की अनुभूति करी के आमंत्रित करत बानी मंचे पे गिरावर मंचे पे आई उसको आज के कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान दयानंद पांडे जी, श्रीमान मृत्युंजय जी, पुजेश्वर मणि जी, गोरखपुर नगर निगम के महापौर के रूप में सफल काम कार्यकाल पूरा करने वाली डॉक्टर श्रीमती सत्या पांडे जी, मुझे जी वो इस यायावरी परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित जन, पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों तथा उपस्थित सम्मानित जन, हमारे शहर में एक कार्यक्रम चला था, रहे काल में पूरा चाहिए था, लेकिन हमारे मजबूरी हुआ कि हमें 5 बजे लखनऊ के कार्यक्रम पर जाने में गई जरूरी था, तेनाते हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहता कि भोजपुरी बात हम अपने पूरा वक्तव्य भोजपुरी में दिया जा रहे आज उद्घोषक महोदय सही कारण है कि यहाँ भोजपुरी में बात कहने में अमन किया तो डेराई ने या शर्माई ने, हम मॉरिशस भी गई बाटी, सुरिनाम भी गई बाटी और जगह गई बाटी, मॉरिशस जैसे देश में वहां के राष्ट्रभाषा भोजपुरी है, हम हिंदुस्तान में हैं, जितने वहां बाटे हैं चाहे वहां के राष्ट्रपति बाटे, चाहे वहां के प्रधानमंत्री बाटे, चाहे वहां के मंत्रिमंडल के लोग बाटे, या तो वहां के मूल बोली जो रहे वो भाषा के रूप में स्वीकार करता राष्ट्रभाषा के रूप में, और नहीं तो दूसरे राष्ट्रभाषा के रूप में भोजपुरी है, बोले लोग अंग्रेजी बाटे खूब अंग्रेजी बोले, लेकिन अंग्रेजी वहां तीसरे भाषा के रूप में, हम यह शर्माई ले हमें शर्माई ले कि हम मन के जो नीति नियंता लोग बाटे ना उन सभी नीति नियंता लोग
से भाषा के भी ओर से जोड़ दिया गया है और वो भाषा से ओर से जोड़ने के परिणाम का भय यहाँ प्रांत बदल वो भाषाई आधार पर बन गया, उन प्रांत भरत वो भाषाई आधार पर बन गए, उसका परिणाम का भय कि आज हिंदी जैसे भाषा के राष्ट्रभाषा बनावल जाए एकर कितना भी प्रयत्न आप करने नहीं संभव है। शुरू में हम लोग जानते रहे हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बाद में पता का लगा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हिंदी कामकाजी भाषा है, शासन के काम हिंदी में हो सकला लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। परंपरा टूट हर समय टूटे ले, जैसे उदय जी ने जो अपनी कविता जो लिखने रहा है आज उस कविता को पूरी तौर पर नकार के काम अगर क्यों देखा जाए कही जा तो यहाँ डॉक्टर सत्या पांडे बाकी डॉक्टर सत्या पांडे इस नगर के प्रथम नागरिक के रूप में रहे। अभी क्षमा त्रिपाठी को बुला करके हमने कहा कि आओ जरा दीप प्रज्वलन करो, ये नाते अब बदलाव आए बा, अब बदलाव आए बा तो हर समय हर चीज कहल भी नहीं जा सकला। देखिए मैंने भोजपुरी के भाषा को मान्यता दी जाए इसके लिए संसद में भी विषय उठाए थे, लेकिन कुल मिलाकर के हम सभी लोग खुद भोजपुरी पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम भोजपुरी को अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार प्रयत्न करे, अन्य इससे कम बोलने वाली भाषाओं को भी जो है अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इसको नहीं सम्मिलित किया गया, मैथिली को भी सम्मिलित किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। और मैं यायोरी भोजपुरी महोत्सव को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक प्रेरणा जगाने का काम किया है और वो आगे बढ़े, भोजपुरी का को महत्व मिले, हम लोग घर में भी भोजपुरी मिले, यह विशेष तौर पर होना चाहिए।